Good morning, everyone. I am Garima Jain, your maths teacher, and today I am going to you to explain you about the sign convention of integers, or we can say simply the sign conventions. किस तरह से साइन अप्लाई करे जाएंगे या ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में साइन को लगाया जाएगा, ठीक है. उसके लिए समझिए, यदि जो दो इंटीजर्स हैं, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, और उन दोनों को हमें करना है ऐड. दोनों ही इंटीजर्स प्लस के हैं और इन इंटीजर्स को यदि हमें ऐड करना है, तो उस कंडीशन में Our answer sign will also be positive. यहाँ पे answer वाला sign भी क्या होगा? Positive. And what we will do? We will add the integers. हम उन integers को add करेंगे और जो sign apply करा जाएगा वो sign कैसा होगा? Plus का. इसी तरह से यदि एक इंटीजर पॉजिटिव, पहला इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तब आप क्या करोगे? तब हमको इंटीजर को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, जो दोनों इंटीजर्स दिए हैं उन इंटीजर्स को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन होगा ऑफ द ग्रेटर डिजिट या ग्रेटर नंबर भी हम बोल सकते हैं. जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्लस 3 प्लस माइनस 5, तो इसका आंसर क्या होगा? एक टर्म प्लस की है, सेकेंड वाली टर्म माइनस की है. यदि एक टर्म प्लस और दूसरी टर्म माइनस की है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, दोनों को माइनस करेंगे. 5 में से 3 माइनस करें, आंसर आया 2. साइन कौन सा लगेगा? ऑफ द ग्रेटर डिजिट. दोनों में से ग्रेटर डिजिट कौन सी है? 5 इज द ग्रेटर डिजिट और 3? यस, 5 इज द ग्रेटर डिजिट. 5 का साइन माइनस का, तो यहाँ भी आंसर में साइन आएगा माइनस. समझ में आया? यदि एक नंबर प्लस है, सेकेंड नंबर माइनस है, तो उस कंडीशन में इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर में जो साइन लगाया जाएगा वो साइन हमेशा होगा ऑफ द ग्रेटर डिजिट. दोनों में से जो बड़ी डिजिट है, 5 या 3, जो डिजिट बड़ी है उसका साइन अप्लाई करा जाएगा, ठीक है. इन द सेम वे, यदि पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तब भी वी विल अप्लाई द सेम रूल, अप्लाई द अबव रूल. जो ऊपर हमने रूल पढ़ा, सेम वही रूल अप्लाई करना है. दोनों नंबर्स को करेंगे माइनस. सपोज अ क्वेश्चन इज माइनस ऑफ 8 प्लस 5. पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस. यदि एक डिजिट माइनस की है, दूसरी डिजिट प्लस की है, तो क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे. माइनस 8 प्लस 5, इट इज 3. प्लस का 3 या माइनस का 3? अप्लाई द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट. 8 और 5 में से क्या ग्रेटर है? 8 ग्रेटर है, सो द आंसर विल अगेन बी माइनस 3. समझ में आया? नाउ सी द नेक्स्ट वन. If both the digits are negative, minus, minus, तब क्या किया जाएगा? आंसर होगा negative sign में और values को हम करेंगे add, add the integers, ठीक है. यदि दोनों ही number minus के हैं, दोनों ही number minus के हैं, तो क्या करेंगे? Add the integers, integers को add करेंगे. Apply the sign negative, like if it is minus 2 plus minus 2,
दोनों ही नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों को प्लस कर दिया, 2 + 2 = 4, साइन लगाया माइनस का, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 4। दीज आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ इंटीजर। इंटीजर को सॉल्व करने के लिए कौन सी वैल्यूज को प्लस करना है और कौन सी वैल्यूज को माइनस करना है, बहुत सिंपल फंडा याद रखने के लिए। यदि दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो आंसर को प्लस ऐड कर दो, ठीक है। दोनों नंबर प्लस के हैं तो भी प्लस कर दो, दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी प्लस कर दो, डिफरेंस कितना है, दोनों अगर प्लस के हैं तो आंसर में प्लस का साइन, दोनों माइनस के हैं तो आंसर में माइनस का साइन, और बीच वाला पार्ट इसका अपोजिट, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस कर दो, जो बड़ा नंबर है उसका साइन अप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों प्लस ऐड, दोनों माइनस ऐड, साइन कैसे लगाएंगे, दोनों प्लस प्लस का साइन, दोनों माइनस माइनस का साइन, एक प्लस एक माइनस माइनस करेंगे, साइन किसका अप्लाई होगा, दोनों में से जो बड़ा है उसका अप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक की टर्म्स, आप देखिए इसी से रिलेटेड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सी हियर, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, इफ द साइन इज ऑफ प्रोडक्ट, है ना, दो साइन के बीच में प्रोडक्ट है, तब क्या किया जाएगा उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। यदि दोनों प्लस के साइन हैं और उसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो वापस साइन कैसा लगेगा, प्लस का। यदि एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है और इसे मल्टीप्लाई करा तो जो अब फाइनल साइन लगेगा वो होगा माइनस का। अगेन यदि एक प्लस का साइन है बाद में माइनस का साइन है तब भी साइन लगेगा माइनस का, और यदि दोनों माइनस के साइन हैं और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन लगेगा प्लस का। ये हुआ मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई में साइन कैसे लगते हैं, जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए, प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय प्लस टू, अगर प्लस टू को प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, साइन लग गया प्लस का। लेकिन यदि माइनस टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्लस टू से, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 × 2 = 4। इसी तरह से यदि प्लस टू का मल्टीप्लाई करा माइनस टू से तो अगेन 2 × 2 = 4, एक माइनस का है एक प्लस का है तो आंसर आया माइनस। यदि माइनस टू का मल्टीप्लाई करा माइनस टू से, दोनों ही टर्म्स माइनस की हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, साइन लगेगा प्लस का, 2 × 2 = 4, ठीक है। इस तरह से जो भी साइन होते हैं उन साइन को हम मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड एक्सरसाइज 6.3, 35 - 20, 35 में से 20 को माइनस करिए, तो ये तो सिंपल है, ये 35 है ये माइनस का 20 है, 35 ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस, अंदर कोई भी साइन नहीं है तो वही माइनस ही रहेगा, माइनस 20, 35 में से 20 को माइनस किया आंसर आया 15। नेक्स्ट वन 72 - 90, फिर यहाँ कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट सिंपली ओपन हो गया, 72 में से 90 को माइनस करिए, एक नंबर प्लस का एक माइनस का दोनों को करेंगे माइनस, आंसर आया 18। लेकिन प्लस का या माइनस का, तो देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 90 से पहले साइन कौन सा है, माइनस, तो आंसर में भी लग जाएगा माइनस। समझ में आया,
एक प्लस एक माइनस है तो करेंगे माइनस, लेकिन जिसका साइन बड़ा है, 90 के पहले जो साइन है वो बड़ा है, तो यहाँ लगाया माइनस का साइन। नेक्स्ट माइनस 15 माइनस माइनस 18 तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 18। अभी हमने पढ़े थे साइन कन्वेंशंस, जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ लग गया प्लस। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला माइनस, एक माइनस के साथ दूसरा माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस 8 बिकम्स प्लस। ना सॉल्व इट, 18 माइनस 15 3, विच इज द ग्रेटर नंबर, 18। द साइन बिफोर 18 इज प्लस, तो यहाँ आंसर किसका आएगा, प्लस का। नेक्स्ट वन माइनस 20 माइनस 13, माइनस 20 माइनस 13 सॉल्व करिए, माइनस 20 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 13। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं, साइन कन्वेंशंस को याद करो, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो क्या किया जाता है, माइनस माइनस प्लस, दोनों को कर देंगे प्लस। 20 और 13 को प्लस किया 33, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, पर साइन अप्लाई करा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 33। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन, माइनस माइनस 12, हाउ टू सॉल्व, 23 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, सिंपल है, दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस 35। देन माइनस 32 माइनस माइनस 40, माइनस 32 माइनस माइनस 40, तो माइनस 32 माइनस इंटू माइनस प्लस 40, फिर एक नंबर माइनस का एक टर्म प्लस की, प्लस इंटू प्लस और माइनस क्या करेंगे, माइनस, 40 में से 32 माइनस करा बचा 8, प्लस का 8 या माइनस का 8, तो चेक करेंगे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 40, 40 अगर बड़ा है तो साइन कौन सा लग गया, प्लस का, क्यों लगा, क्योंकि 40 के पहले साइन कौन सा है, प्लस। ठीक है, अब देखिए